हेलो, नमस्कार, नमस्ते। स्वागत है आप सबका 11वें सेशन योगा फॉर बिगिनर्स के और निर्वाण योग में। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगले एक मिनट में हम अपना अभ्यास शुरू करेंगे, तब तक जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। सभी अपने मैट्स ले आए, दरी, चद्दर, कोई भी आसन ले आए। डोर प्लीज कर देना। चलिए, ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का अभ्यास। चलिए, सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। मैं आशा करता हूँ अर्धपद्मासन, पद्मासन, जिस भी आसन में हम चाहें उस आसन में हम बैठ जाएं। फिलहाल हम पद्मासन में बैठेंगे। अपने दोनों हाथ सीधे करें। अब यहीं से अपनी कमर, गर्दन को सीधा करें, आंखें कोमलता से बंद करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। हम एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात कपालभाति का एक राउंड। ओमकार के उच्चारण हेतु श्वास भरें। स्वयं को रिलैक्स करने का प्रयास। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रहे। यहीं पर अपनी आंखों को बंद कर रखें और कपालभाति के लिए तैयार हो। आप अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रख सकते हैं, या फिर दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रखकर अपनी एल्बोज को सीधा कर सकते हैं। इससे हमारी कमर, गर्दन बिल्कुल अच्छे से सीधी हो जाती है। अब मेरे साथ कपालभाति के 50 स्ट्रोक दोहरा जाएं। ध्यान रहे, कार्डियक पेशेंट्स, बीपी हाई पेशेंट्स इस अभ्यास को नहीं करें तो बेहतर है। मेरे साथ कपालभाति के 50 स्ट्रोक्स शुरू करें। धीरे से रिलैक्स करें, अपने अंदर आई गर्माहट को फील करें। एक बार अपने शरीर में ऊपर से नीचे तक आई हलचल को महसूस करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें और अब हम बढ़ते हैं आगे के अभ्यास की ओर। चलिए, उससे पहले
मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो हमारे पास पिछले सेशन के लिए आए थे, और उनके लिए क्या जवाब है वो एक बार मैं आप सबसे डिस्कस कर लूंगा। तो चलिए, जैसा कि मैं बता रहा था, कुछ प्रश्न आए थे हमारे पास पिछली क्लास से रिलेटेड। सबसे पहला और कॉमन क्वेश्चन यही था कि कुछ लोगों ने समझा कि यदि सिर्फ हम सूर्य नमस्कार, सर्वांग पुष्टि और इंजन दौड़ ही करेंगे तो हमें बाकी अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है, जब हमारा सिर्फ इन्हीं अभ्यासों से वजन घट सकता है, फैट रिड्यूस हो सकता है। सबसे पहली बात, मेरा मानना है कि युवा वर्ग यानी 16 साल से 30, 35 यहाँ तक कि 40 उम्र तक के लोगों को भी ये तीनों अभ्यास सुबह उठकर करने ही चाहिए। कपालभाति के साथ साथ सूर्य नमस्कार, सर्वांग पुष्टि और इंजन दौड़, इन तीनों अभ्यासों को यदि हम नियमित रूप से करते रहेंगे तो हमारा शरीर और मन दोनों जवान बने रहेंगे, दृढ़ बने रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे और हमारी इम्यूनिटी भी हाई रहेगी इन तीनों अभ्यासों को करने से। अब रही बात कि जब हम ये कर सकते हैं तो बाकी अभ्यास क्यों करें जो हमने बाकी सेशन में आगे करे थे, तो मैं बता दूं, यदि हमारा पेट बहुत ज़्यादा है या फैट कहीं भी बहुत ज़्यादा है, हम ज़्यादा मोटे हैं, तो इन अभ्यासों को हम आइडियली अच्छी तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उनके लिए ये बेसिक कुछ हमने अभ्यास बाद में करवाए थे कि धीरे धीरे इन अभ्यासों को मास्टर करके फिर हम अपना टोटल योगाभ्यास शुरू कर पाए। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एक तरफ ये तीनों चीज़ है, एक तरफ है बाकी योगाभ्यास, तो यदि इन दोनों को जोड़कर किया जाए तो जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, जो हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, वो ऑब्वियसली डबल ही मिलेंगे। यानी हम अपने वार्म अप के रूप में इन तीनों अभ्यासों को कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार, सर्वांग पुष्टि और इंजन दौड़, और बाद में हम ये योगाभ्यास कर सकते हैं, तो हमें बहुत रैपिड जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। दूसरी बात कि यदि किसी को इंसोम्निया भी है और यदि किसी को वेट भी लूज़ करना है तो, और उसके पास टाइम कम है, तो हम क्या करें, तो मैं बता दूं कि हमने पहले दो पार्ट्स इंसोम्निया के अपनी लाइव सेशन में कवर किए थे, अब हम दो पार्ट अपने वेट लॉस और फैट रिडक्शन के लिए कवर कर रहे हैं। जो हमने इंसोम्निया के लिए प्रैक्टिसेस बताई थी, अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको थोड़ा सा मैनेज तो करना ही पड़ेगा। हालांकि कुछ बीच में प्रैक्टिसेस भी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो हमें इंसोम्निया में भी हेल्प करेंगी और हमें वेट लॉस करने में भी हेल्प करेंगी। जैसे हम इंसोम्निया के लिए दीवार के बल अर्धहल आसन में 5 से 10 मिनट रुके थे, लेकिन यदि हम बिना दीवार के होल्ड करेंगे उसी पोजीशन को, चाहे 1 से 2 मिनट ही सही, तो हमारा वेट रिडक्शन भी होगा और हमें सेम इंसोम्निया के लिए या रिलैक्सेशन के लिए भी बेनिफिट्स मिलेंगे। ये बात रही, यदि टाइम कम है तो मेरे हिसाब से आप इंसोम्निया वाली प्रैक्टिसेस रात को सोने से पहले कर सकते हैं, जैसा कि हमने वीडियो में लिखा भी था, वो बेड टाइम रूटीन के लिए भी योगिक प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन खाने में कम से कम 1-1.5 घंटे का गैप हो। और वेट लॉस की प्रैक्टिसेस आप सुबह उठकर कर सकते हैं, उससे भी कम से कम 1.5 घंटे बाद ही हमें खाना खाना है। वेट लॉस करने की एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि आहार हमारा बहुत बड़ा चेंजिंग फैक्टर होता है। यदि हम सात्विक भोजन लेते हैं, थोड़ा सा राजसिक भोजन भी चलता है, तो कोई बात नहीं, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। लेकिन यदि हम ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा भुना हुआ या पुराना खाना, तामसिक खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर में भी फिर बुरे इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से ये सब नॉर्मली बीमारियाँ हमें होने लगती हैं। रही एक बात और कि सूर्य नमस्कार, सर्वांग पुष्टि और इंजन दौड़ को अगर हम वार्म अप के रूप में करेंगे तो हमारा शरीर हमेशा स्ट्रेंथन अप ही रहेगा, लेकिन हमें नियमित रूप से उसे करना पड़ेगा। तो आज के अभ्यास में वार्म अप रूटीन के लिए हम इन तीनों अभ्यासों को ही रख रहे हैं, इंजन दौड़, सर्वांग पुष्टि और सूर्य नमस्कार। तो चलिए मेरे साथ ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे इंजन दौड़। इंजन दौड़ हम पहले के सेशन में सीख चुके हैं, तो जल्दी से उसका अभ्यास करते हैं। अपना राइट पैर उठाया,
दोनों हाथ सामने, राइट हैंड फोल्ड किया, यहीं से कपाल भाती की तरह एक्सहेल करते हुए, स्ट्रोक्स लगाते हुए अपने हैंड्स और लेग की पोजीशन चेंज करनी है। ध्यान रहे हम एक ही जगह कूदे, अपनी हील्स को बटक्स पर टच करने का प्रयास कीजिए, दोनों हाथ अच्छे से सामने की ओर, पूरी जल्दी पंजों पर कूदने का प्रयास, रिलैक्स। ये हमने किया इंजन दौड़। चलिए थोड़ी देर अपनी सांसों को नॉर्मल करने का प्रयास कीजिए, थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए आराम से अपनी सांसों को। इतनी हम अपनी शोल्डर्स को हिला सकते हैं 5-5 सेकंड के लिए। यदि हमारे पास समय की ज्यादा कमी है तो सुबह उठकर अगर हम ये तीनों भी कर लेते हैं तो भी हमारी सेहत अच्छी बनी रहेगी। सूर्य नमस्कार, सर्वांग पुष्टि और इंजन दौड़। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं जो है सर्वांग पुष्टि। सर्वांग पुष्टि भी हम पहले सेशंस में कर चुके हैं, एक बार जल्दी से आप सभी सिर्फ सुनिए और मेरे साथ अभ्यास कीजिए। दोनों पैरों को शोल्डर लेवल से ज्यादा खोल लीजिए, यहीं पर अपने दोनों हाथों को सामने लाइए, राइट हाथ हमारा नीचे की ओर हो। अब खिंचाव बनाते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, यहीं पर खींचे, ध्यान रहे राइट हाथ अब हमारा आगे की ओर होगा। अब यहीं इनहेल करते हुए पीछे जाएं, कि चूंकि राइट हाथ हमारा आगे है तो एक्सहेल करते हुए जाएंगे राइट हैंड साइड, हैंड चेंज करेंगे नीचे ही, फिर इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान रहे हमारे दोनों घुटने सीधे हो, अपनी सांसों को रोकेंगे नहीं, सांसें लेते रहें। फिर एक बार सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड साइड, सांस भरे पीछे, सांस छोड़े राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, सांस लेते रहें, फिर सांस भरें, पीछे जाए, आराम से सामने आए, हाथ ऊपर को खींचे, धीरे से हाथ दोनों हाथ सामने लाए, नीचे लाए अपने पैर को वापस। ये हमने सर्वांग पुष्टि के 2 से 3 राउंड करे। इनको कम से कम जब हम नियमित रूप से करें तो ध्यान रहे इंजन दौड़ को हमें मिनिमम 2 मिनट के राउंड तक लेके जाना है, 1 राउंड 2 मिनट का हो, ऐसे हम 3 से 5 राउंड दोहरा जाए। सर्वांग पुष्टि के कम से कम हम मिनिमम 10 राउंड अपने रखें और ऐसे 2 से 3 राउंड हम दोहरा जाए, और सूर्य नमस्कार के कम से कम हम 10 राउंड करें रोज। यदि हमारे पास कम टाइम हो तो इन तीनों प्रैक्टिस को हम अच्छे से कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो, अपने श्वासों को नॉर्मल करें, फिर से अपने कंधे हिला सकते हैं, यदि पैरों में स्ट्रेच आया है तो पैरों को शेक कर सकते हैं। चलिए सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हूं। सूर्य नमस्कार भी हम पहले कर चुके हैं, ज्यादा देरी न करते हुए मेरे साथ शुरू करें सूर्य नमस्कार का अभ्यास। अपने मैट के अगले हिस्से पर आ जाएं। अब यहीं से शुरू करें। ध्यान रहे सबसे पहले मैं आसन का नाम बोलूंगा, फिर स्टेप नंबर बोलूंगा, और सिर्फ उस पोजीशन में जाते हुए ब्रीदिंग पैटर्न क्या रखना है ये बताऊंगा। ध्यान रहे हमें अपनी सांसें बीच में नहीं रोकनी, सांसें लेते रखनी है चाहे हम पोजीशन होल्ड करें तब भी। चलिए स्टेज 1 प्रणाम आसन, ब्रीदिंग नॉर्मल, आराम से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, अपने शरीर को स्थिर करने का प्रयास, रिलैक्स हो। स्टेज 2 पैरों में 2 से 3 इंच का गैप, आंखें खोलें, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचे, कमर पीछे। स्टेज 3 पादहस्तासन, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं,
स्टेज फोर, दोनों हाथों को दोनों पैरों के साइड में और राइट पैर को ले जाएं पीछे। अब यहीं पर पेल्विक रीजन को ग्राउंड की तरफ पुश करने का प्रयास कीजिए, नजरों से ऊपर देखने का प्रयास। फाइव, पर्वत आसन साथ छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे, अपनी एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। सिक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए सबसे पहले पंजों को अपने इसी तरह रहने दें, सबसे पहले अपने घुटने टिकाए, फिर अपनी चेस्ट और लास्ट में चिन। अष्टांग नमस्कार, अपनी ब्रीदिंग इसमें नॉर्मल रखें, दोनों हाथ चेस्ट के साइड में ही रहे। सेवन, भुजंगासन, सांस भरते हुए अपने नाभि से ऊपर का शरीर ऊपर उठाए, सांस लेते रहे। एट, सांस छोड़ते हुए फिर पीछे जाने का प्रयास, पर्वतासन में एड़िया लगाने का प्रयास। नाइन, पहले हम राइट पैर लेकर गए थे, इस बार सांस भरते हुए राइट पैर आगे, फिर से अपने पेरिनियम रीजन को ग्राउंड की तरफ पुश करने का प्रयास, सांस लेते रहें ऊपर देखने का प्रयास करें। टेन, पादहस्तासन, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर दोनों हाथों के बीच, अपने पेट फिर अपनी छाती दोनों पैरों के पास लाने का प्रयास। 11, सांस भरते हुए हस्तोत्तानासन, बारह प्रणाम आसन, आंखें बंद, ब्रीदिंग नॉर्मल, अपनी सांसें नॉर्मल करने का प्रयास करें, अपनी हार्ट बीट को फील करने का प्रयास करें। ये हमने किया राउंड वन। राउंड टू थोड़ा सा फास्टली करेंगे, एक फ्लो बनाकर करेंगे, बीच में रुकेंगे नहीं। चलिए मेरे साथ राउंड टू। वन, प्रणाम आसन, आंखें बंद। टू, पैरों में 2-3 इंच का गैप, आंखें खोले, सांस भरते हुए हस्तोत्तान। थ्री, सांस छोड़ते हुए पादहस्त। फोर, सांस भरते हुए अश्व संचालन। फाइव, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। सिक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल, अष्टांग नमस्कार, अपने बटक्स को उठने दे जितना ऊपर उठे। सेवन, सांस भरते हुए भुजंगासन, नाभि से ऊपर का शरीर उठाए। एट, पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए। नाइन, सांस भरते हुए राइट पैर आगे, अश्व संचलन आसन। टेन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। इलेवन, सांस भरते हुए हस्तोत्तानासन। ट्वेल्व, नॉर्मल सांसें, प्रणाम आसन, धीरे से रिलैक्स करें, अपने आप को रिलैक्स करने का प्रयास करें। चलिए ये हमारा हो गया वार्म अप रूटीन। एक बार और अगले एक आखिरी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम अपना योगासन का अभ्यास शुरू करेंगे। दोनों पैरों को शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लीजिए। अब यहीं से सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी हथेलियों को लगा दें ग्राउंड पर। कोशिश करें आपकी हथेलियाँ ग्राउंड पर लग जाए, यदि नहीं लग रही तो पैरों को और खोल सकते हैं जितना आप चाहें, वरना कोशिश करें आपके कम से कम पैर खोलते हुए हथेलियां आराम से ग्राउंड पर लग जाएं। 5-10 सेकंड यहीं पर रिलैक्स करने का प्रयास करें। धीरे से वापस आए। चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए योगासनों की तरफ बढ़ते हैं। पहला आज जो हमारा आसन है वो है त्रियक ताड़ासन, जो हमने पिछले सेशन में करा था। थोड़ा सा धीरे धीरे से आज हम मीडियम लेवल पर जाएंगे। जो हमने पिछले सेशन में जो हमने अभ्यास किया था वो था बेसिक लेवल,
बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिसेस थी, बिगिनर्स के लिए प्रैक्टिस थी। ये जो आज मैं वेट लॉस के लिए प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ वो तब है जब आप बेसिक प्रैक्टिसेस को अच्छा कर ले, मास्टर कर ले, और आपको लगे कि कुछ और नया चाहिए, तो इसके लिए ये प्रैक्टिसेस है। ये थोड़ा सा और मीडियम लेवल की हैं, थोड़ा सा लेवल इनमें बढ़ जाता है, शरीर में थोड़ी स्ट्रेंथ और चाहिए होगी, तो इसलिए पहले आप बेसिक लेवल करें, उसके बाद धीरे धीरे अपने मीडियम लेवल पर आए। यहीं पर दोनों पैरों को खोले शोल्डर लेवल, दोनों हाथों को सामने, उंगलियां इंटरलॉक, हथेलियों का रुख सामने की ओर। अब यहीं पर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए सबसे पहले हम जाएंगे राइट हैंड साइड, सांस भरते हुए बीच में एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, रिलैक्स। धीरे से वापस आए। ये हमने किया तिर्यक ताड़ासन, साइड फैट को बर्न करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। चलिए अगला जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं वो है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन भी हमने पिछले सेशन में किया था, एक बार उसके भी मेरे साथ एक ही राउंड दोहरा जाए, एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से। चलिए दोनों पैरों को शोल्डर लेवल से ज्यादा खोलिए। अब यहीं पर सबसे पहले हम राइट साइड करेंगे, तो अपने राइट पंजे को बाहर की ओर निकाल लेते हैं। दोनों हाथ सामने, कमर भी हमारी सामने हो, सीधी की हो, दोनों हाथ सामने, हथेलियां भी सामने की ओर। एक बार सांस भरें, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड साइड। ध्यान रहे हमारे घुटने सीधे हों। अब इस पोजीशन में या तो हम ऊपर अपनी हथेली की ओर देख सकते हैं जो सामने की ओर फेस कर रही है, या हम सामने देख सकते हैं अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुसार। धीरे से वापस आए। ध्यान रहे जब हम पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उस समय सांसें नहीं रोकनी, पैर को अंदर लाएं, इस बार लेफ्ट पैर को बाहर निकालेंगे, एक बार बीच में सांस भरें, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड साइड। हम अपनी हथेली को देख सकते हैं, हम सामने देख सकते हैं जैसे हम चाहें। ध्यान रहे घुटने हमारे सीधे हों। धीरे से सांस भरते हुए वापस आए, अपने पंजे को अंदर की ओर खींचे, दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर साइड में। अब हम करने जा रहे हैं वीरभद्रासन, वॉरियर पोज। ऊपर से नीचे तक हर अंग में जिस आसन की वजह से स्ट्रेंथ आती है, एक स्ट्रेच, एक खिंचाव हमें हर अंग में ऑलमोस्ट फील होता है, वो हम आसन करने जा रहे हैं। वीरभद्रासन का सिर्फ एक पार्ट करेंगे जिसमें सबसे पहले दोनों पैरों को खोलकर खड़े हो जाएं, अब अपना राइट पंजा बाहर की ओर निकालेंगे, लेफ्ट पंजे को हम पीछे से उठा लेंगे। अब जिस पर जो पंजा हमने बाहर की ओर निकाला है उस तरफ अपनी कमर को मोड़ लेंगे। अब यहीं से राइट पैर इस तरह मोड़ेंगे कि थाइज और काफ मसल्स हमारी 90 डिग्री हो जाए, पीछे वाले पैर को उठाकर रखेंगे, घुटना हमारा जमीन पर नहीं लगना चाहिए, अपने पंजे पर पीछे वाला पैर उठाकर रखेंगे, सामने ध्यान रहे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब यहीं पर दोनों हाथों को सामने लाएंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ते हुए सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे और हाथों को देखने का प्रयास 10 सेकेंड मेरे साथ होल्ड कर जाए। धीरे से वापस वापस आ जाए बीच में। अब लेफ्ट पैर का पंजा बाहर निकालेंगे, कमर लेफ्ट साइड ही करी, यहीं पर पैर को बेंड किया 90 डिग्रीज, ये एंगल अपना एक बार देख जाए 90 डिग्री हो। अब यहीं पर दोनों हाथ सामने नमस्कार मुद्रा, सांस भरते हुए ऊपर होल्ड, सांस लेते रहें,
धीरे से वापस अपने पैरों को सीधा करें, दोनों पंजे अंदर की ओर और सीधे खड़े हो जाएं। अब हमने क्या क्या कर लिया, तिर्यकताड़ासन, त्रिकोण आसन और वीरभद्रासन। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। चलिए अब थोड़ा सा बैठ के अभ्यास कर लिया जाए। अब हम जो एक आसन की सीक्वेंस करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम करेंगे सर्वांग आसन, वहीं से जाएंगे हम हल आसन में, जानेंगे हल आसन किस तरह किया जाता है, और उसके बाद हम करेंगे द्रुत हल आसन, यानी दो आसनों का मिक्सचर, द्रुत यानी मूवमेंट, कंटिन्यूस मूवमेंट। तो उसमें दो आसन होंगे हमारे, हल आसन और पश्चिमोत्तान आसन। हम पहले हल आसन में जाएंगे, वहीं से मूवमेंट करते हुए पश्चिमोत्तान आसन में जाएंगे, ऐसे हम 10 राउंड दोहरा जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। हम लेट जाएंगे अपनी कमर के बल, कमर के बल लेट जाएं, रिलैक्स करें अपने पूरे शरीर को, अपनी सांसों को नॉर्मल करें। अब यहीं पर हम तैयार होंगे सर्वांग आसन के लिए। सर्वांग आसन में जाने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अर्धहल आसन में, यानी अपने दोनों पैरों को हम उठाएंगे 90 डिग्रीज फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहीं से अपनी कमर को भी ऊपर उठाते हुए अपनी पूरी बॉडी को वर्टिकली हम होल्ड कर लेंगे इस तरह। यहीं पर कुछ देर होल्ड करें, सांस लेते रहें। इन एक दो आसनों को हाई बीपी पेशेंट्स और कार्डियक पेशेंट्स ना करें। अब यहीं पर कुछ देर होल्ड करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, जो है हल आसन। अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे बिल्कुल आराम से पीछे की ओर लेकर जाएंगे। यदि आप चाहें तो आपकी कमर को यहीं से सपोर्ट दे सकते हैं, होल्ड दे सकते हैं अपनी हाथों से, वरना अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर आराम से रख दें। कोशिश करें हमारे घुटने सीधे हों। मैं एक बार थोड़ा सा आगे होकर आपको दिखा देता हूँ। इस तरह हम चाहें तो अपने पंजे अंदर की ओर रख सकते हैं या पंजे फ्लैट कर सकते हैं। कोशिश करें हमारा चेन लॉक लग जाए। सांस लेते रहें। धीरे से वापस आएंगे हम सर्वांग आसन में। सर्वांग आसन से वापस आएंगे हम अर्धहल आसन में। अपने पैरों को आराम से जमीन पर रखें, अपने हाथों को धीरे से कमर लाए नीचे, दोनों पैर 90 डिग्रीज और धीरे धीरे वापस नीचे। ये हमने किया सर्वांग आसन और हल आसन। अब हम करेंगे द्रुत हल आसन। द्रुत हल आसन में हम पश्चिमोत्तान आसन करेंगे और हल आसन करेंगे। किस तरह करेंगे वो एक बार हम देख लेते हैं। चलिए मैं कोशिश करूंगा फ्रेम में आ पाऊं, वरना प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए अब यहीं पर हम फिर से कमर के बल लेट जाएंगे। एक बार फिर अपनी सांसों को नॉर्मल करने का प्रयास कीजिए, अपने शरीर को तैयार कीजिए। हमें करना क्या है, दोनों आसन की फाइनल पोजीशन की ओर जाते हुए हमें सांस छोड़नी है और बीच में आते हुए हमें सांस अंदर भरनी है। चलिए सबसे पहले
हम उठकर बैठ जाएंगे दंडासन में। दंडासन से ही अपने सबसे पहले पंजों को पकड़ने का प्रयास करें। अब यहीं से अपने पैरों और हाथों को दोनों को साथ में लेकर हलासन में जाने का प्रयास करें। इस तरह हमारे हाथ भी पैरों के साथ साथ पीछे चले जाएं। इस तरह अब आगे जाना है हमें उठ के पश्चिमोत्तानासन में। यहाँ पर जाने का प्रयास करेंगे हम सब। एक बार मेरे साथ इसी सीक्वेंस को बिना रुके हम 8 से 10 राउंड दोहरा जाएंगे। चलिए मेरे साथ अभ्यास करें पश्चिमोत्तानासन और हलासन। ये हमने की द्रुथलासन की सीक्वेंस। थोड़ी देर अपनी सांसों को नॉर्मल करने का प्रयास करें। सांसों को नॉर्मल करने के लिए यदि आपको इन पोस्चर्स में भी सांस लेने में परेशानी हो रही हो तो उस समय हम मुख धौती का अभ्यास कर सकते हैं। मुख धौती किस प्रकार की जाती है? हमें इनहेल करना है वाया आर नॉस्ट्रिल्स आर नोज एंड एक्सहेल वाया माउथ। इस तरह ये काफ़ी अच्छी रिलैक्सिंग प्रैक्टिस भी मानी जाती है। इससे हम रिलैक्स जल्दी फील करते हैं कि हम जल्दी रिलैक्स हो रहे हैं। तो अगले 5 सेकेंड आप मुख धौती कर सकते हैं, अपनी सांसों को नॉर्मल कर सकते हैं। पूरा शरीर को रिलैक्स। एक बार और आराम से रिलैक्स करें। ये हमने कुछ सुपाइन लाइन पोजीशंस करी। एक सुपाइन लाइन आसन और करेंगे जिसे हम कहते हैं सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। इसे कैसे करते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम सभी साथ में एक बार इसका अभ्यास कर जाएंगे। सेतु बंधासन के लिए अपनी कमर के बल पहले लेट जाए। अब यहीं से अपने दोनों पैरों की एड़ियों को अंदर की ओर लाएंगे, अपने बटक्स की ओर लाएंगे। यदि आप पकड़ सकें तो अपने हाथों से अपने एंकल पकड़ने का प्रयास करें, नहीं तो हम अपने हाथ ऐसे भी रख सकते हैं। अब यहीं पर हमें करना क्या है, आराम से सांसें लेनी है। उसके बाद एक बारी में सांस भरते हुए अपने पूरे शरीर को बटक से लेकर अपने शोल्डर से नीचे तक ऊपर उठा लेंगे और बीच में सांस लेते रहेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए हम नीचे आ जाएंगे। किस तरह करना है एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अपने पैरों में थोड़ा सा गैप दिया, अब यहीं से अपनी गर्दन को रिलैक्स रखेंगे, उठा लेंगे अपनी मिडिल बॉडी, सांस छोड़ते हुए वापस आए। सांस भरते हुए हम ऊपर गए थे, सांस छोड़ते हुए हम नीचे आ जाएं। एक बार मेरे साथ इस आसन का अभ्यास कर जाएं। आ जाएं अपने कमर के बल, अपने पैरों को अंदर की ओर मोड़ें। यदि आप पकड़ सकें तो अपने पैरों को पकड़ लें एंकल रीजन पर से, नहीं तो आप अपने हाथों को जमीन पर ही रखें, हथेलियों का रुख जमीन की ओर हो। एक बार अपनी सांसों को नॉर्मल करें। यहीं से सांस भरते हुए उठाएंगे अपने मिडिल बॉडी। कोशिश करें आपका चिन लॉक लग जाए, आपकी चिन चेस्ट रीजन से टच हो। सांस लेते रहें। ये आसन करने से हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारी चेस्ट एक्सपेंड होती है, हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी, हमारी लंग कैपेसिटी, हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है।
हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा होता है। थायराइड पेशेंट्स के लिए यह आसन काफी अच्छा है। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। ये हमने किया सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। अपने पैरों को वापस सामने खोलें, अपनी आकाश की ओर 5 सेकेंड आराम से रिलैक्स करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के अभ्यास की ओर। अब हम कुछ पोजीशंस करेंगे जो प्रोन लाइन पोजीशन होगी, यानी अपने पेट के बल लेट कर। चलिए चलिए, माफ़ी चाहूँगा बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। चलिए अगला अभ्यास एक बार और हम सुपाइन लाइन पोजीशन में नहीं करेंगे, कमर के बल लेट कर करेंगे। कमर के बल लेट जाए, यहीं पर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ग्राउंड की ओर रखें, अपने थाइस के साइड में रखें। अब हम करेंगे उत्तान पादासन में ही कुछ वेरिएशंस। उत्तान यानी उठाना खींचना, पाद यानी हमारे पैर, तो दोनों पैरों की एड़ी पंजों को जोड़ेंगे, घुटनों को जोड़ेंगे, उठाएंगे 30 डिग्रीज या 45 डिग्रीज भी उठा सकते हैं। यहीं से सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को अपनी छाती के पास लाएं और एक साइकिल की तरह सर्कल बनाते हुए ऐसे मूवमेंट करनी है। जब हमारे पैर सामने की ओर जाएं तो सांस भरें, जब हमारे घुटने अंदर की ओर आए तो सांस छोड़ें। मेरे साथ इस अभ्यास को दोहरा जाए 10 बार, साइकिल चलाए। कोशिश करें नाक से सांस लें, सांस लेने में परेशानी हो तो मुख दौती भी कर सकते हैं। आखिरी राउंड से रिलैक्स करेंगे। पेट में जो खिंचाव आया है, जो जोर पड़ा है उसे महसूस करें, मीठे दर्द का अनुभव करें। धीरे से रिलैक्स करें। चलिए अब आ जाएंगे हम सुपाइन लाइन पोजीशंस में। अब जो हम करने जा रहे हैं वो देखने में तो काफी आसान लगता है, लेकिन असल में उतना होता नहीं है। हम करने जा रहे हैं चतुरंग दंडासन और उसी की वेरिएशंस, जिसे हम प्लैंक पोज भी कहते हैं। चलिए चतुरंग दंडासन के लिए लेट जाएंगे अपनी कमर के बल। शुरू में हम दोनों हाथों को पीछे रख सकते हैं अपनी थाइस के साइड में। अब यहीं से दोनों हाथों को उठाकर ले आए, अपनी हथेलियों को चेस्ट के साइड में रखें, चाहे तो हम अपने कंधों के साइड में भी रख सकते हैं। चतुरंग दंडासन में हमने क्या किया था, अपने पंजों पर और अपनी हथेलियों पर अपना पूरा शरीर उठाया था इस तरह कि हमारे बाइसेप्स रीजन और फोर आर्म के बीच 90 डिग्री का एंगल बने और हमारी कोहनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के पास हों। किस तरह, यही हम रुके, अपने पंजों पर और हाथों पर अपना शरीर उठा दिए। यह है चतुरंग दंडासन। अब हम यहीं से आएंगे फुल प्लैंक पोज में, यानी सबसे पहले अपने शरीर को चतुरंग दंडासन में उठाए। 5 सेकंड यहीं रुकेंगे, 5, 4, 3, 2 और 1। आप अपने दोनों हाथों को सीधा कर दें, अपना पूरा शरीर सीधा रखने का प्रयास।
हमारी कमर ज्यादा नीचे या ज्यादा ऊपर ना जाए, जितना हम सीधा रख सके उतना रखें, नजरें हमारी सामने रहे, सांसें लेते रहें। अपना फैट रिड्यूस करने के लिए ये आसन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। इसमें हम कुछ वेरिएशंस भी कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम अपने राइट पैर का उठाएंगे और उसका घुटना अपने राइट हाथ के पास लेकर आएंगे, अपने चेस्ट के नीचे लाने का प्रयास करेंगे। इस तरह धीरे से वापस, नजरें सामने ही रहें। यदि शुरू में बैलेंसिंग में दिक्कत हो रही है तो अपने पैर को चेक करके हम सही जगह पर ला सकते हैं। उठाएंगे लेफ्ट पैर, वापस राइट पैर, वापस लेफ्ट पैर, वापस राइट पैर, वापस लेफ्ट पैर, वापस। ये हमने किया फुल प्लैंक पोज। एक बार भुजंगासन में आ जाएं, थोड़ा सा एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेच देना भी जरूरी है। चलिए एक बार और हम प्लैंक पोज में थोड़ी सी वेरिएशंस करेंगे। उठा लेंगे अपने पूरे शरीर को ऊपर, 10 सेकंड मेरे साथ यहीं पर होल्ड करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब बिना नीचे जाए, बिना अपने घुटने नीचे टिकाए, अपनी एल्बोज पर आ जाएंगे, नजरें सामने, शरीर हमारा सीधा ही हो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से आ जाएंगे वापस मकर आसन में। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने चिन के नीचे रखें, पीछे से दोनों पैरों को खोल लें, हमारे पंजे बाहर की ओर हो और हमारी एड़ियां अंदर की ओर। यदि हमारी दोनों एड़ियां ग्राउंड पर नहीं लग पा रही, इसलिए आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी स्पाइन में थोड़ी थोड़ी डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो गई है। हमारी स्पाइन अभी हेल्दी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। कोशिश करें हमारी दोनों एड़ियां ग्राउंड पर लगे, यहीं पर रिलैक्स करें। यदि ये आसन आपको बोरिंग लग रहा है तो इसमें एक और अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैर को पास लाएं और मूव करें। रिलैक्स करने के लिए ये अच्छा अभ्यास है, इससे हमारी बैक मसल्स को भी रिलैक्स मिलता है। बैक पेशेंट्स के लिए भी ये प्रैक्टिस काफी मददगार साबित होती है। जिनको पैरों में दर्द रहता है उनके लिए भी ये काफी मददगार प्रैक्टिस है। धीरे से हम रिलैक्स करेंगे, दोनों पैर नीचे, अगला जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं वो है पवन मुक्तासन में रोलिंग। रोलिंग किस तरह करनी है वो एक बार हम देख लेते हैं। फिर से कमर के बल लेट जाएंगे। ये हमारे अंत के दो आसन बच रहे हैं, इसके बाद हम एक बार प्राणायाम का अभ्यास करके अपनी क्लास को कुछ जानकारी देने के बाद विराम देंगे। चलिए पवन मुक्तासन हम सभी जानते हैं किस तरह करना है। दोनों पैरों को उठाएं और अपनी उंगलियों से इंटरलॉक कर लें और मैक्सिमम अपने पेट की तरफ प्रेशर देना है। यदि हम उंगलियों से आराम से इंटरलॉक कर पा रहे हैं तो अपने हाथों को पकड़ें, अपनी फोरआर्म से अच्छे से पकड़ पा रहे हैं तो अपनी एल्बोज तक आ जाएं। उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपना माथा या चिन घुटनों पर लगाएं और वहीं पर होल्ड करें। सांस हमें पेट से लेते रहनी है, मैक्सिमम इनहेल मैक्सिमम एक्सहेल। चलिए दोनों पैरों को उठाया, हाथों से इंटरलॉक किया, अपनी गर्दन को उठाया, पहले माथा लगाने का प्रयास करें। यदि माथा अच्छे से लग पा रहा है तो अपनी चिन लगाने का प्रयास करें। ये हो गया पवन मुक्तासन। अब इसी में हम 10 सेकंड तक रोलिंग करेंगे। मेरे साथ एक बार रोलिंग शुरू करें। शुरू में थोड़ी थोड़ी अपनी रोलिंग बढ़ाएंगे।
कोशिश करें हमारे पैर ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर के से जुड़े हुए हो। आखिरी बार और रिलैक्स, धीरे से अपने पैरों को सीधा करें। अब हम जो आसन करने जा रहे हैं वो हमें रिलैक्सिंग भी बहुत अच्छी देता है, हमारी एब्डोमिनल मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छा है, साइटिका के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और जिनको नर्व कंप्रेशन होता है उन पेशेंट्स तक के लिए इस आसन को बेनिफिशियल माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, बिल्कुल आराम आराम से अपनी क्षमता अनुसार इस आसन को हम करेंगे। इस आसन का नाम है मरकट आसन। इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों हाथों को खोले 180 डिग्रीज अपने शोल्डर के साइड में। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को उठाकर पीछे ले आए आराम से रिलैक्सिंग पोज में, जहां तक हम कंफर्टेबल फील करें। अब यहीं से एक बार बीच में सांस भरें और सांस छोड़ते हुए हम अपने दोनों पैरों को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, और हमें ध्यान रखना है कि हमारी चेस्ट शोल्डर्स ग्राउंड पर लगे हो और हमारी गर्दन जिस डायरेक्शन में हमारे पैर गए हैं उससे उल्टी डायरेक्शन में जाए। यानी हमारे पैर अभी लेफ्ट डायरेक्शन में आए हैं तो हमारी गर्दन राइट डायरेक्शन में जाएगी। अपनी चेस्ट रीजन को पूरा ग्राउंड पर लगाने का प्रयास करें, अपने शोल्डर्स को ग्राउंड पर आराम से रेस्ट करने दें, गर्दन दूसरी ओर, अपने एब्डोमिनल में आए स्ट्रेच को फील करें, पूरा घुटना ग्राउंड पर लगाने का प्रयास, दिल धीरे धीरे, यदि नहीं लग रहा तो बिल्कुल आराम आराम से अपनी मसल्स को, अपनी बैक मसल्स को, अपने एब्डोमिनल मसल्स को ढीला छोड़ें। धीरे से सांस भरते हुए बीच में आए, सांस छोड़ते हुए साइड चेंज, अपना चेस्ट और शोल्डर रीजन ग्राउंड पर लगाए रखें, बीच में सांस लेते रहें, अपने पेट से पूरा, जब हम इनहेल करें तो पेट बाहर की ओर आए, जब हम एक्सहेल करें तो पेट अंदर की ओर आए। धीरे से बीच में आए, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए साइड चेंज, इनहेल, एक्सहेल, गर्दन तो हमारे घुटनों से अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे हमेशा, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे लेकिन सांसों का पैटर्न वही रहे, बीच में आते हुए हम इनहेल करें और साइड में जाते हुए हम एक्सहेल करें, हमारे चेस्ट शोल्डर से लगी हो। आपको इतनी तेज सांसें नहीं लेनी, सिर्फ बताने के लिए मैं इतनी सांसें तेज ले रहा हूं कब हमें एक्सहेल करना है और कब हमें इनहेल करना है। अब यहीं पर बीच में आएंगे सांस भरते हुए, अपनी सांसों को रिलैक्स करें, नॉर्मल करें। यहीं से अपने राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर ओवरलैप करें। अब जो पैर हमारा ऊपर है, राइट पैर हमारा ऊपर होना चाहिए, तो हम लेफ्ट साइड अपने पैरों को ले जाएंगे। सेम प्रैक्टिस, अपने राइट घुटने को मैक्सिमम ग्राउंड के पास ले जाने का प्रयास करें, और प्रयास करें आपकी चेस्ट और शोल्डर्स ग्राउंड पर लगी रहे। अब यहीं पर सांस लेने का प्रयास करें, इनहेल करते हुए बीच में आए, पैर वापस, इस बार लेफ्ट पैर ऊपर और दोनों पैर जाएंगे राइट हैंड साइड। अपनी चेस्ट ग्राउंड पर लगाए रखें, एब्डोमिन में स्ट्रेच को फील करें, अपनी नाभि पर फोकस करके श्वास प्रश्वास करें। जब हम श्वास लें तो हमारी नाभि बाहर की ओर आए, जब हम प्रश्वास करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नाभि अंदर की ओर जाए। बीच में आ जाए, रिलैक्स करें। यह हमारा आज का अंतिम योगाभ्यास था, योगासन था। आराम से रिलैक्स कर सकते हैं हम 5 से 10 सेकंड शवासन में, अपनी कमर के बल लेट जाएं,
पैरों को कंधों के जितना खोलें, हाथों को अपने थाइस के साइड में रखें और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जितनी दूर हाथ जा रहे हैं उन्हें आराम से जाने दें और रिलैक्स। एक बार ऊपर से नीचे अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर जाएं, ढीला छोड़ते जाएं हर अंग को। ऊपर से नीचे हर अंग में हो रही हलचल को महसूस करें। यदि कहीं खिंचाव है उस खिंचाव को महसूस करें। यहीं यदि कहीं दर्द हो रहा है तो उसे मीठा दर्द समझकर उससे महसूस करें। ये भी एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। बिल्कुल शांत, हमारा ध्यान हमारी श्वास पर हो। चलिए धीरे से अपनी बाएं हाथ का तकिया बनाएं और बाएं हाथ करवट लें। अब यहीं से उठकर बैठ जाएं प्राणायाम के लिए। आज के प्राणायाम के अभ्यास के लिए हम तैयार होते हैं, खुद को तैयार करते हैं। आज भी हम भ्रामरी प्राणायाम ही करेंगे, यानी रैपिड और फास्ट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। मैक्सिमम हमें इसको सांस अंदर भरनी है और मैक्सिमम हमें सांस बाहर निकालनी है, लेकिन एक फास्ट स्पीड में, एक रैपिड स्पीड में, बिना रुके और बिना धीमे हुए। इस तरह नहीं, इस तरह। लेकिन ध्यान रहे अपने कंधों को इस तरह नहीं हिलाना। कोशिश करनी है सिर्फ पेट की मूवमेंट हो अंदर और बाहर। चलिए उठकर बैठ जाएंगे किसी भी ध्यानात्मक आसन में, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जैसे भी आप चाहें। मैं फिलहाल अर्ध पद्मासन में बैठ जाता हूं। यहीं पर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हम शुरू करेंगे। अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, मस्तक पर किसी प्रकार का तनाव न हो, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रहे, शरीर ऊपर से नीचे तक बिल्कुल रिलैक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, यहीं पर एक बार नॉर्मल सांस करें और श्वास लेते हुए शुरू करें भ्रामरी प्राणायाम मेरे साथ 20 सेकेंड के लिए। फिलहाल शुरू करें। मैक्सिमम इनहेल, मैक्सिमम एक्सहेल करें। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए तैयार हो। दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा अपनी राइट नॉस्ट्रिल से करेंगे इनहेल। राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करें एक्सहेल। धीरे से रिलैक्स करें। अपनी आंखों को धीरे से खोलें। ये हम अपने योगा फॉर बिगिनर्स के सीरीज में लास्ट सेशन के अंत की ओर आ चले हैं। यदि आपको इस सेशन में कुछ भी अच्छा लगा हो, किसी भी सेशन से रिलेटेड, किसी भी अभ्यास से रिलेटेड कोई भी आपको प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट कीजिए। हम सदैव आपके साथ पर्सनल मैसेजेस में भी कोई शंका हो तो उसे हल करने के लिए तत्पर हैं। हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर हैं। चलिए एक बार अपने सेशन को समाप्त करने के लिए 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात आखिरी में 3 बार शांति शांति शांति। अपनी कमर गर्दन को सीधा करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, शरीर को रिलैक्स करें। यदि आपको हमारे सेशंस अच्छे लगे हो, हमारा अभ्यास अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम YouTube पर भी वीडियोस लाते रहेंगे। ओमकार हेतु श्वास भरें।
धीरे से अपने दोनों हाथों का नमस्कार मुद्रा में लाए, अपनी हथेलियों को रगड़ें, अपनी आंखों पर रखें, अपनी हथेलियों के मध्य ही अपनी आंखों को धीरे से खोलें और चेहरे पर फेरते हुए हटा लें। हमारा आज का अभ्यास यहीं तक था। यदि आपको योग और आयुर्वेद से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो हम सदैव आपके लिए तत्पर हैं, आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। आप हमें कमेंट कीजिए, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। हम YouTube पर भी निर्वाण योग चैनल के नाम से अपनी योग व आयुर्वेद से जुड़ी जानकारियों पर वीडियोस बनाते रहते हैं, उन्हें भी देखिए। यदि आपको इस सेशन के बाद पर्सनल क्लासेस की भी आवश्यकता है तो हमारे पेज पर जाकर हमारी डिटेल्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम पर्सनल सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, हमारी टीम पूरी प्रोवाइड करती है। आज का अभ्यास इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें।